दोस्तों आज आप और हम मिलकर बनाएंगे बहुत ही एकदम टेस्टी और चटपटा ऐसा नाश्ता। इसका एंजॉय आप लंच में या डिनर में या तो फिर ब्रेकफास्ट में भी कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसका एंजॉय हम कभी भी कर सकते हैं और इसे हम बनाकर 2 से 3 दिन के लिए यूज कर भी सकते हैं। और इसका एंजॉय हम नॉर्मली चाय के साथ या तो फिर अचार, चटनी या दही के साथ भी कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और बहुत ही आसान रेसिपी और बिना तेल की है। तो आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। प्लीज रोज नए वीडियो के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमने यहाँ पर 2 कटोरी हरे वाले मटर लिया है। हरे मटर में हमने ले लिया है 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और अदरक के टुकड़े को हम रफली ही कट कर देंगे। और साथ में हमने ले लिया है यहाँ पर 4 हरी मिर्च। और अभी हम क्या करेंगे, इसका एकदम दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। पहले हम दरदरा बनाएंगे, उसके बाद हम इसके स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। हम यहाँ पर हो सके उतना कम ही पानी का यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 छोटे चम्मच ही पानी का यूज किया है। और ये जो हमने हरे मटर और अदरक और हरे मिर्च की जो पेस्ट बनाई है, उसे हम एक बर्तन में निकाल कर ले लेंगे। अभी हम इसमें ले लेंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा थोड़ा सा हमारा जो नॉर्मली जो होता है उससे थोड़ा सा मोटा है। और स्वाद अनुसार हमने इसमें ले लिया है नमक। आप यहाँ पर नमक स्किप भी कर सकते हो। और अभी हम इसमें ले लेंगे 1 चम्मच जलजीरा पाउडर। जलजीरा पाउडर से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1/4 टीस्पून हमने हींग ले लिया है। अभी हम इसमें ले लेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और अभी हम इसमें ले लेंगे, सर्दियों की सीजन है तो इसमें हमने ले लिया है सफेद वाले तिल 2 चम्मच। और आप चाहे तो यहाँ पर लहसुन भी ऐड कर सकते हो। और अभी हम इसको ना एक बार पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमने ले लिया है 1 कटोरी भर के बारीक कटा हरा धनिया और इसका बहुत ही हम अच्छे से आटा बना लेंगे। हमने बहुत ही कम सामग्री लिए, फिर भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमें थोड़ा सा ये आटा थोड़ा सा लूज लग रहा है, मतलब ये सॉफ्ट लग रहा है, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और आटा ऐड कर दिया है और इसका एकदम अच्छे से आटा बना लिया। ये आटे को हमने ना 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। उसके बाद हम इसकी जो नॉर्मली रोटियां बनाते हैं उस तरह से हम रोटी ही बना लेंगे। आप देख सकते हो कि हमने हरे मटर यूज किए, फिर भी इसकी रोटी है ना बहुत अच्छे से बन जाती है। और यहाँ पर हमने इसको सात्विक बनाने के लिए मिट्टी का तवा लिया है और मिट्टी के तवे के ऊपर हम इसको यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से पका लेंगे, मतलब कि दोनों साइड उलट पुलट करके बहुत अच्छे से पका लेंगे। हमने हरे मटर लिए, फिर भी ये रोटी बहुत अच्छे से बन जा रही है और बिना तेल और बिना घी के हम इसके ऐसे ही पका रहे, मतलब कि जो हमारा मिट्टी का तवा है उसके ऊपर हमने पका लिया। और बन जाने के बाद उसके ऊपर मैंने हल्का सा घी लगा लिया। तो बहुत ही कम समय और बहुत ही कम सामग्री वाली ये सात्विक हरे मटर की रोटियां हमारी तैयार है। इसका एंजॉय हम चाय के साथ भी कर सकते हैं और दही, चटनी या अचार के साथ भी कर सकते हैं। और ये जो हरे मटर की रोटी है बहुत ही कम सामग्री वाली, फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो फिर जल्दी मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ।